छतरपुर में कांग्रेस विधायक पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद SP ने 3 लोगों के खिलाफ जांच कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। भगवा थाना में रेत कारोबारी चरण सिंह के खिलाफ पहले से दर्ज FIR में ही उनका नाम जोड़ा गया है। पुलिस विवेचना के दौरान बड़ा मलहरा SDOP के साथ गाली गलौज के वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने छतरपुर विधायक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, गाली गलौज के आरोप में FIR में नाम जोड़ा है। छतरपुर विधायक के अलावा 2 और नाम भी पुलिस विवेचना के बाद केस में जुड़ने की संभावना है। हालांकि पुलिस ने नामों का खुलासा अभी नहीं किया है, लेकिन विधायकों के ही हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि आलोक चतुर्वेदी के अलावा 2 अन्य लोगों के नाम भी FIR में जोड़े गए हैं। 29 तारीख की रात और 30 तारीख की सुबह एक FIR दर्ज हुई थी, जो शासकीय कार्य में बाधा को लेकर थी। इसमें प्रमुख आरोपी जो थे चरण सिंह यादव थे। इसी में स्पेशल टीम उसी दिन बनाई गई थी 14 सदस्य की, और ये विवेचना व गिरफ्तारी दोनों के प्रयास लगातार कर रही है। किन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी इसमें? इसमें जितनों के वीडियो में दिख रहे हैं, खासकर शासकीय कार्य में जो बाधा डाल रहे हैं, उन सभी के नाम बढ़ा के जाँच करके गिरफ्तारी की जाएगी। किन लोगों के नाम बढ़ा रहे हैं, कौन से है? इसमें अभी जो यहाँ से विधायक हैं उनका नाम बढ़ाया गया है, क्योंकि वो वीडियो में अभद्रता करते दिखाई साफ साफ दे रहे हैं, और आने वाले समय में बाकी भी पहचान करके इसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक वीडियो चरण सिंह का सामने आया, वो कह रहा है नार्को टेस्ट हमारा करवाया जाए, तो इस वक्त क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा। गौरतलब है कि बीते हफ्ते गुरुवार की रात ग्वारा पुलिस चौकी इलाके में कांग्रेस नेताओं व पुलिस बल के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए रेत कारोबारी चरण सिंह यादव ने अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चरण सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था। भगवा पुलिस की विवेचना के दौरान छतरपुर विधायक का नाम उसी केस से जोड़ा गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।